ये है जोगिनी मंदिर का मुख्य द्वार। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। पीछे देख सकते हैं आप, हमारे बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीष मिश्रा और आप देख रहे हैं मनीष मिश्रा ब्लॉग। आज जो है हम लोग योगिनी स्थान जा रहे हैं, जो कि गोड्डा झारखंड में स्थित है। गोड्डा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे ये योगिनी स्थान है। काफ़ी रहस्यमयी है और बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है और बहुत सारा राज उसके अंदर छुपा हुआ है। तो चलिए, क्या है राज और क्या है रहस्य, जानते हैं आज हम लोग। तो बने रहिए आप हमारे साथ और चलिए शुरुआत करते हैं यात्रा की। काफ़ी रहस्यमयी मंदिर है ये, काफ़ी पुराना भी है और सबसे है, इसका कोई पता नहीं है। वैसे ये नीचे वाला जो मंदिर है ये तो हाल फिलहाल में ही बनाया गया है, लेकिन इसका जो मुख्य मंदिर है वो है ऊपर पहाड़ पे, जो कि पहाड़ जाने का रास्ता इस साइड से है। पहले हम लोग नीचे देख लेते हैं मंदिर को, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर। पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर परिसर के अंदर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ जो है पूजा पाठ का सामान वगैरह भी मिल रहा है, तो आप यहाँ से सामान खरीद के जो है अंदर पूजा करने के लिए जा सकते हैं। पूजा का सामान हम लोग ले चुके हैं और चल रहे हैं अंदर। तो चलिए दिखाते हैं और करते हैं पूजा, आइए। यहाँ पे जो है नारियल मंदिर के अंदर फोड़ना मना है, तो देख सकते हैं कि नारियल को मंदिर के बाहर फोड़ा जाता है और यहाँ पे चुनरी के ऊपर जो है नारियल के जल को चढ़ाया जाता है। तो अभी जो है हम लोग पूरा मंदिर परिसर नीचे घूम चुके हैं, पर मुख्य मंदिर जो है, जो मेन वाला मंदिर है, वो है पहाड़ के ऊपर पे। तो चलिए चलते हैं पहाड़ के ऊपर और देखते हैं कि आखिर पहाड़ पे क्या है। चलिए चल रहे हैं हम लोग मंदिर के तरफ। मेन वाला जो मंदिर है वो है पहाड़ पे, तो हम लोग ये मंदिर के बीच से ही रास्ता गया हुआ है, तो हम लोग चल रहे हैं अभी पहाड़ की तरफ। यहाँ जो है चप्पल पहन के जाना मना है, तो हम लोग निकल चुके हैं खाली पैर। फाउनो काज दान करने के मूड में है, इसलिए भर भर के दान करते हुए जा रहा है। एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे सीढ़ी बना दिया गया है, तो आप आसानी से जो है ऊपर चढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छा और साफ सुथरा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। थोड़ा चढ़ाव जो है वो खड़ा है, तो समय तो लगेगा और चलते हैं। आरो ले वो भोग लेता, पिलाओ पिलाओ। यात्रा चालू है और हम लोगों को मिल गए यहाँ पे एक बाबा। बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ ऊपर पे भी प्रसाद का दुकान है, आप यहाँ से भी प्रसाद खरीद के ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है माँ योगिनी गर्भगृह। पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की जगहों पे। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है गुफा में जाने का रास्ता है और काफ़ी सारा लाइन लगा हुआ है, तो अभी हम लोग अब जाके लाइन में भी लगेंगे, क्योंकि जब आए हैं तो गुफा तक तो ज़रूर जाएंगे। तो चलिए, योगिनी माता की जय। मतलब मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, साहस वाले का
हाँ हम तो देख रहे हैं। पहले हम लोग तो दो आदमी कंधा पे लेता था, तब उसके ऊपर लेता था। तो अभी आप अंदर जा सके? नहीं हम ना जा सके, गए तो गुफा का रूप जो है ना छोटा हो गया। पूरा ही अंधेरा है और इतना छोटा जगह है कि पता नहीं जा पाएंगे अंदर या नहीं। पीछे देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है पीछे। देख सकते हैं काफी छोटा रास्ता है यहाँ पे। चलना चलना भाई, उधर चलिए, आगे बढ़ते चलिए भैया। बाबा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ाइए उनको आगे वालों को, लेट मत कीजिए। अभी जो है हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ पे भीड़ है और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे लाइन से पूजा कर रहे हैं। काफ़ी छोटा रास्ता है और श्रद्धालु जो है यहाँ पे कंटिन्यू आ ही रहे हैं। बाहर में लगभग 200 आदमी से ऊपर अभी जो है वो खड़े हैं इस गर्भगृह में आने के लिए। माता का जो मुख्य मंदिर है वो यही है और यहाँ पे आने का एक ही रास्ता है जो कि गुफा के जरिए आना पड़ता है और वो काफ़ी छोटा है। ये जो है यहाँ पर से निकलने का रास्ता है और आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है। सांकड़ा रास्ता है, श्रद्धालु कष्ट के बाद माता का दर्शन कर पाते हैं। अब जो है हम लोग वापस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, धन्यवाद पुनः पधारे। तो चलिए मिलते हैं फिर पुनः एक नए ब्लॉग में।